गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेब कंट्रोल्स को कैसे काम में लेते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब हम देख चुके हैं वेब कंट्रोल्स क्या होते हैं। जो भी अपने को वेबसाइट पर कोई फॉर्म अपन ओपन करते हैं तो जो कुछ दिखाई देता है उसमें कंट्रोल्स होते हैं। जैसे हम सबसे पहला कंट्रोल लेते हैं बटन कंट्रोल्स, तो ASP.NET है वो तीन टाइप के बटन कंट्रोल की सुविधा अपने को प्रदान करती है। बटन क्या होता है, जो तीन टाइप के बटन होते हैं उसमें एक तो सिंपल सा होता है बटन, उसमें क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर आयताकार एरिया होता है, एक उसके अंदर टेक्स्ट लिखा रहता है, जैसे सबमिट लिखा रहता है, रीसेट लिखा रहता है, कैंसिल, ओके, इस टाइप का बटन हो सकता है। दूसरा बटन का प्रकार है लिंक बटन। इसके अंदर जो टेक्स्ट डिस्प्ले होता है वो एक हाइपरलिंक की तरह होता है। तीसरा टाइप का बटन है वो एक इमेज होती है। आपने देखा हो ना, जब वेबसाइट अपन ओपन करते हैं तो कई बार ऐसी इमेज होती है कि उस इमेज पर क्लिक करने के बाद में भी कोई ना कोई घटना होती है, जैसे नया पेज खुलता है या और कोई घटना होती है, तो वो इमेज भी अपने आप में क्या, एक बटन है। और वैसे हाइपरलिंक होता है, हाइपरलिंक क्या, आपको कुछ अलग कलर में डिस्प्ले होगा उसके अंदर, तो वो भी एक बटन की तरह। एक तो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, उस पर आप क्लिक करोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन हाइपरलिंक पर क्लिक करोगे तो आप नए पेज पर चले जाओगे, तो वो भी एक क्या, बटन की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए तीन टाइप बटन हो गए इसके अंदर। अब बटन पर अपन क्या करते हैं, बटन पर हम क्लिक करते हैं, तो दो तरह की इवेंट्स होती है, क्लिक और कमांड। बेसिक जो सिंटेक्स है वो बटन का वो इस तरह से है, ASP:button ID, इसमें बटन की आईडी दे देंगे, फिर इसमें रन एट सर्वर हमें ये बताना पड़ेगा क्योंकि हम इसको सर्वर पर रन करा रहे हैं। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पर क्या करेगा, button1_click और टेक्स्ट क्लिक। तो ये बटन का सिंटेक्स है। अब बटन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो देखते हैं हम। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि टेक्स्ट, जो बटन होता है उसके ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले होता है, उस बटन पर कुछ ना कुछ टेक्स्ट तो रहेगा ना, कि उस बटन से काम क्या होगा, तभी तो हम उसको प्रेस करेंगे। जैसे बटन पर लिखा हुआ है सबमिट, इसका मतलब हमने जो इन्फॉर्मेशन एंटर की है वो सबमिट हो जाएगी। अगर किसी बटन पर लिखा हुआ है डिस्प्ले तो वो कुछ डिस्प्ले करेगा। अगर रीसेट लिखा हुआ है तो हमने फॉर्म में जो डिटेल्स भरी है उनको वो रीसेट कर देगा। कैंसिल लिखा हुआ है कैंसिल, बैक करना या फॉरवर्ड करना, सेव करना, तो इस तरह से बटन्स के नाम होते हैं। तो ये जो नाम होता है वो बटन के ऊपर भी होता है और लिंक बटन का भी कुछ ना कुछ तो नाम होता ही है, उसका टेक्स्ट होता ही है, उसमें टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। एक होता है इमेज URL, इमेज URL में क्या होता है कि ये सिर्फ इमेज बटन के लिए होता है और इसके अंदर क्या होता है कि इमेज डिस्प्ले होती है, यहाँ टेक्स्ट नहीं होता, यहाँ क्लिक किस पर करते हैं, इमेज के ऊपर। एक अल्टरनेट टेक्स्ट होता है, ये सिर्फ इमेज बटन के लिए होता है, क्योंकि अगर मान लो ब्राउजर है वो अगर वो इमेज डिस्प्ले नहीं करवा पा रहा है तो कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले कराता है, वो टेक्स्ट क्या होता है, उसका नाम होता है इमेज का। जैसे देखा होगा कई बार इंटरनेट की स्पीड है वो कम आती है, तो होता क्या है कि जैसे हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो लोडिंग होती है अपने ब्राउजर के अंदर क्लाइंट के कंप्यूटर पर वो होती है टेक्स्ट की, क्योंकि टेक्स्ट है टेक्स्ट सबसे कम
स्पेस लेते हैं मेमोरी में, कम से सबसे कम डेटा खर्च होता है। तो इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है तो भी हमारा टेक्स्ट है वो तो लोड हो ही जाएगा। जैसे देखा होगा कई बार हम ईमेल आईडी भी ओपन करते हैं तो उसके अंदर अगर स्पीड स्लो है तो उसमें आएगा कि बेसिक एचटीएमएल वर्जन। अगर हम बेसिक एचटीएमएल वर्जन कर लेंगे उसमें तो वो जल्दी से लोड हो जाएगी, क्योंकि ओरिजिनल वर्जन होता है उसमें कुछ इमेजेस भी होती है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा उसमें। तो अगर इमेज अगर डिस्प्ले नहीं हो पाती, इंटरनेट की स्पीड कम है, तो उस इमेज का कुछ ना कुछ नाम होगा, उसको अल्टरनेट टेक्स्ट बोलते हैं। कोजेज वैलिडेशन, कोजेज वैलिडेशन क्या है? डिटरमाइन वेदर पेज वैलिडेशन अकर्स व्हेन अ यूजर क्लिक द बटन द डिफॉल्ट इज ट्रू। कोज वैलिडेशन में क्या होता है, जब हम बटन पर क्लिक करते हैं तब चेक किया जाता है कि इसका वैलिडेशन हुआ कि नहीं हुआ, और डिफॉल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। तो कई बार हमने देखा होगा कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं, अगर हमने उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं फिल की है या उसका जो पैटर्न जिस टाइप में करनी चाहिए थी उस पैटर्न में नहीं किया है, तो उसके अंदर एरर आता है। जब सबमिट बटन करते हैं तो उसमें एरर आ जाता है और लिखा रहता है कि पहले से ये जो इन्फॉर्मेशन जो आपको फिल करनी थी वो सही से फिल करो। ऐसे कमांड नेम होता है, कमांड नेम क्या होता है, एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है जो पास की जाती है कमांड इवेंट को, जब यूजर क्या करता है, क्लिक करता है बटन को। फिर कमांड आर्गुमेंट होता है, ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है जो पास की जाती है कमांड इवेंट को, जब यूजर क्लिक करता है बटन को। एक होता है पोस्ट बेक यूआरएल, ये यूआरएल होता है पेज का जिसको रिक्वेस्ट की जाती है जब यूजर क्लिक करता है बटन पर। जब बटन पर क्लिक करेंगे तो कई बार नया पेज भी तो खुलना होता है, तो उसमें पोस्ट बेक यूआरएल। अब बटन के बारे में पढ़ लिया, अब दूसरा जो वेब कंट्रोल है वो है टेक्स्ट बॉक्स और लेबल्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या काम में आते हैं, यूजर से इनपुट लेने के काम में लेते हैं उनको, वो यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स है, कंट्रोल है, वो एक्सेप्ट कर सकता है एक लाइन भी और एक से ज़्यादा लाइन भी, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का है। लेबल कंट्रोल्स प्रोवाइड करते हैं इजी वे टू डिस्प्ले टेक्स्ट व्हेन वी कैन चेंज फ्रॉम वन एग्जीक्यूशन ऑफ अ पेज टू द नेक्स्ट। इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले टेक्स्ट देन दैट डज नॉट चेंज, यू यूज द लिटरल टेक्स्ट। बेसिक सिंटैक्स इसका इस तरह से रहता है, ASP कॉलन टेक्स्ट बॉक्स ID, रन एट सर्वर रहेगा और क्लोज जाएगा ASP टेक्स्ट बॉक्स। प्रॉपर्टीज रहेगी, टेक्स्ट का मोड रहेगा, ये स्पेसिफाई करेगा कि टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं वो किस टाइप का है। सिंगल लाइन क्रिएट अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बॉक्स, मल्टी लाइन क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स दैट एक्सेप्ट मोर देन वन लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड पासवर्ड। कोजेज द कैरेक्टर दैट आर एंटर टू बी मास्ट। तो डिफॉल्ट तो सिंगल लाइन ही होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में अगर पासवर्ड एंटर करना है उसको मास्ट करना है, जैसे पासवर्ड एंटर करते हैं तो स्टार स्टार सिंबल आता है, या अपन दूसरा सिंबल भी कर सकते हैं उसके अंदर, तो वो भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। टेक्स्ट क्या होता है, कंटेंट होता है टेक्स्ट बॉक्स का। फिर मैक्सिमम लेंथ है, उसको क्या रीड ओनली बनाना है, कॉलम रो, ये सारी उनकी प्रॉपर्टीज होती है। अब टेक्स्ट बॉक्स के बाद में आता है चेक बॉक्स और रेडियो बटन। चेक बॉक्स डिस्प्ले करता है एक सिंगल ऑप्शन दैट यूजर कैन इधर चेक और अनचेक। रेडियो बटन्स प्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम विच द यूजर कैन सेलेक्ट जस्ट वन ऑप्शन। अब जैसे देखिए हम फॉर्म फिल करते हैं तो हम देखते हैं रेडियो बटन बने हुए आते हैं मेल या फीमेल, तो आपको एक बटन क्लिक करना होता है, या तो मेल हो या फीमेल, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते।
तो एक बटन अपने को चूज करना होता है, उसमें एक से ज़्यादा कर भी नहीं सकते रेडियो बटन में। और चेक बॉक्स होता है, उसमें चेक करना होता है। तो चेक बॉक्स में हम इस तरह से कर सकते हैं कि आपसे फॉर्म में फिल करें कि आपको कौन सी लैंग्वेजेज आती है, कौन कौन सी, ठीक है। जैसे आजकल हम ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो उसमें भी पूछते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज, सॉन्ग्स के लिए आप कर रहे हो तो सॉन्ग्स के लिए पूछते हैं कि हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मराठी। तो आपको जितनी भी लैंग्वेजेस के गाने सुनने हैं उनको सबको चेक कर सकते हो। तो चेक बॉक्स में अपन एक से ज़्यादा चेक बॉक्स को अपन चेक कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन है वो सिर्फ़ एक ही बटन होता है, मल्टीपल सेलेक्ट नहीं करते। जैसे आप दूसरे बटन पर क्लिक करोगे रेडियो बटन पर, तो वो अपने आप हट जाएगा पहले वाला, तो वो ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं रेडियो बटन्स के। ये इस तरह से कुछ सिंटेक्स रहता है रेडियो बटन का। ASP, चेक बॉक्स ID, चेक ऑप्शन, रन एट सर्वर, बेसिक सिंटेक्स रेडियो बटन का, रेडियो बटन ID, रन एट सर्वर। कुछ प्रॉपर्टीज होती है, टेक्स्ट, जो टेक्स्ट डिस्प्ले होता है, चेक, चेक बताता है कि वो उसको चेक किया गया है कि नहीं किया गया, डिफ़ॉल्ट क्या फॉल्स होता है। ग्रुप नेम, लिस्ट कंट्रोल्स। अब लिस्ट कंट्रोल्स भी वेब कंट्रोल्स ही है। ये देखिए कौन कौन से टाइप के होते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, लिस्ट बॉक्स होता है, रेडियो बटन होता है, रेडियो बटन की लिस्ट, चेक बॉक्स की लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट। दीज कंट्रोल्स लेट अ यूजर चूज फ्रॉम वन और मोर आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट। तो लिस्ट का मतलब ये हुआ कि एक से ज़्यादा आइटम्स रहेंगे उनमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब लिस्ट है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो सकती है, लिस्ट बॉक्स हो सकते हैं, रेडियो बटन लिस्ट हो सकती है, चेक बॉक्स, बुलेट लिस्ट। सिंटेक्स कुछ इस तरह से रहेगा, सिंटेक्स देख सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज रहेगी, आइटम क्या होता है, आइटम्स होते हैं कि कलेक्शन ऑफ लिस्ट आइटम ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द आइटम इन दी कंट्रोल। रो होती है, सेलेक्ट इंडेक्स होता है कौन से को सेलेक्ट किया गया है, सेलेक्टेड वैल्यू कौन सी वैल्यू सेलेक्ट की गई है, सिलेक्शन मोड रहेगा। अब ईच आइटम के क्या प्रॉपर्टीज रहेगी, लिस्ट के अंदर हर एक आइटम है उसकी, हर एक आइटम की प्रॉपर्टी रहेगी, उसका टेक्स्ट रहेगा, फिर वो सिलेक्टेड है या नहीं है सिलेक्टेड, उसकी वैल्यू क्या है। द लिस्ट आइटम कलेक्शन, द लिस्ट आइटम कलेक्शन ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ लिस्ट आइटम ऑब्जेक्ट्स, ईच लिस्ट आइटम ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट वन आइटम इन द लिस्ट। कॉमन प्रॉपर्टीज है लिस्ट आइटम कलेक्शन की, आइटम इंटीजर, ए लिस्ट आइटम ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द आइटम एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स काउंट। फिर कौन कौन से मेथड्स है, ऐड स्ट्रिंग है, ऐड लिस्ट स्ट्रिंग है, लिस्ट आइटम, इंसर्ट, रिमूव, क्लियर। तो ये लिस्ट बनाने के हमारे पास कुछ मेथड्स है। रेडियो बटन और चेक बॉक्स की लिस्ट बना सकते हैं, वो मैं बता चुका हूँ आपको कि उनमें से एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, रेडियो बटन में से, चेक बॉक्स में से मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। बुलेटेड लिस्ट होती है, अब बुलेटेड लिस्ट है उसमें बुलेट्स की स्टाइल होती है कि हम बुलेट की कौन सी स्टाइल दे सकते हैं, रिपीट डायरेक्शन होती है, रिपीट कॉलम होता है, हाइपरलिंक कंट्रोल होता है। हाइपरलिंक कंट्रोल HTML का ए जो एलिमेंट होता है उस तरह से होता है। इसका बेसिक सिंटेक्स हम देख सकते हैं। और हाइपरलिंक पर हम क्लिक करते हैं तो एक नया पेज होता है, वहाँ पर रिडायरेक्ट कर देता है ये। तो प्रॉपर्टीज हो सकती है कि इमेज URL हो सकता है, हाइपरलिंक पर कंट्रोल क्लिक करने पर एक इमेज ओपन हो सकती है अगर इमेज URL दे रखा है, नेविगेट URL हो सकता है, कोई नया पेज है,
वो पेज ओपन हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई टेक्स्ट डिस्प्ले हो सकता है, टारगेट कोई विंडो या फ्रेम लोड हो सकती है, इमेज कंट्रोल, इमेज कंट्रोल काम में लिया जाता है इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए वेब पेज पर। और अगर वेब पेज अवेलेबल नहीं है, मान लो डिलीट कर दी गई है या लोड नहीं हो रही है, तो एक अल्टरनेट टेक्स्ट भी होता है। ये इस तरह से कुछ सिंटैक्स होता है, प्रॉपर्टीज़ कुछ रहती है कि अल्टरनेट टेक्स्ट रहेगा, अब्सेंस ऑफ इमेज में, इमेज का अलाइनमेंट रहेगा, इमेज का यूआरएल रहेगा। तो ये हमने कुछ बेसिक वेब कंट्रोल्स देखे, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी, कौन कौन से मेथड्स होते हैं इनको काम में लेने के लिए। इसके बाद में आगे का जो वीडियो रहेगा उसमें वैलिडेशन वेब सर्वर कंट्रोल्स पढ़ेंगे कि कैसे हम वैलिडेट करते हैं, अगर क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन फिल करता है और वो सर्वर पर जाती है तो सर्वर उसको कैसे वैलिडेट करता है, और क्लाइंट के ऊपर भी हम कैसे वैलिडेट करते हैं उसको जावास्क्रिप्ट यूज़ करके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।